Yes, good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter. So chapter is chapter number 8. Chapter number 8. Kya naam hai chapter ka? Concept of cost. Chapter 8, concepts of cost. Okay. Yes. So yesterday we have discussed about the cost. What is cost? Then हमने क्या study किया था? Types of cost, explicit cost, implicit cost, selling cost, production cost. And after that we discussed about the fixed cost and variable cost in short run period. Okay. So in short run cost and shapes of short run cost curves. Okay, जिसमें हमने क्या क्या study किया? Total fixed cost and total variable cost. Okay, so today we are discussing about the total cost. So total cost आपको क्या होगी? Total cost तो आप बता सकते हैं. TC it means कि in short run period जो हमारे पास total cost होगी वो हमारे पास क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, इन दोनों का समेशन होगी टोटल कॉस्ट. सो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व एज द एग्रीगेट ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी कर्व्स. ओके, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इनके बारे में. अब जैसे क्या बिहेवियर है कि हमें पता है, वी नो दैट इन शॉर्ट टर्म पीरियड टीसी इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, और हमने अपनी जो है प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है. ओके, सो बिहेवियर ऑफ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व एज द एग्रीगेट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व. अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. अगर हम इनको एक्सप्लेन करें तो हम करते हैं टेबल एंड शेड्यूल को हम यूज करेंगे. टेबल एंड डायग्राम्स के यूज से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं तो आपको क्लियर होगा. तो पहले हम लोग जो है शेड्यूल बनाए. अगर हम ये शेड्यूल देखें, अब आप यहाँ पर आज हम हमारी ये हो गई टेबल नंबर 1. ओके, सो ये बना रहे हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. ओके, एंड टोटल कॉस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स इन यस, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट आउटपुट इन यूनिट्स. सो जी यहाँ जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. ओके, देन फिक्स कॉस्ट इन रुपीज. सो फिक्स कॉस्ट हमने मान ली कितनी? टेन एंड टेन. ओके, सो क्योंकि फिक्स कॉस्ट होती है हमारी, फिक्स ही होती है. सो देन वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज. ओके, सो दिस इज यस फर्स्ट, दिस इज जीरो, जीरो आउटपुट के जीरो लेवल के ऊपर दिस इज जीरो. ओके, देन वन में हम मान लेते हैं ये है 10, वेरिएबल कॉस्ट 10 आई, देन 18. ओके, देन 24, देन 28, यस, देन 32 एंड देन 38. ओके, सो अब हम निकालेंगे टीसी, टोटल कॉस्ट. यस, ये कैसे निकलेगी हमारी? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड ये किस में आएगी? इन रुपीज में. ओके, सो हम यहाँ पर रुपीज में इसको निकालें. सो ये हो जाएंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, यस, जीरो, टेन प्लस जीरो,
is equal to 10, 10 plus 10 is equal to 20, 10 plus 18 is equal to 28, then 10 plus 24 is equal to 34, then 10 plus 28 is equal to 38, then 10 plus 32 is equal to 42, and then 10 plus 38 is equal to 48. अब आप यहाँ से ये जो टेबल है इस टेबल को बड़े ध्यान से देखें और इसमें मुझे बताएं कि आपको क्या चीज नजर आ रही है। यहाँ से आप खुद ही जो है आप सब कुछ बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर दिख रही है ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? अब यहाँ देखिए, आप देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप इस टॉपिक का होता है, जो सभी स्टूडेंट्स को अपने माइंड में रखना है, वो ये है कि आप जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे देखें। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 0। टोटल कॉस्ट क्या आई? 10। इट मीन्स क्या हुआ कि आपके जो टोटल कॉस्ट है वो आपके इन शॉर्ट टर्म पीरियड जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वो क्या होगी, वो कभी भी जीरो नहीं होगी, वो भी क्या रहेगी, कुछ ना कुछ फिक्स, कुछ ना कुछ कॉस्ट रहेगी, और जो वो कॉस्ट होगी वो सारी की सारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर जो आपकी टोटल कॉस्ट की जो अमाउंट होती है वो सारी की सारी कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। ओके तो जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपके पास कई बार ऐसा न्यूमेरिकल आता है कि आपको निकालना पड़ता है कि टीएफसी भी निकालें, ठीक है, इस तरीके से टेबल दी होती है। तो अगर आपको पता है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर टीसी ये दी हुई है, ठीक है, टीसी मान लो वहां पर 20 दे दी जीरो पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो पे जो 20 गिवन है वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट ही है, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपकी एज इट इज निकल आएगी 20 20 20 20। ओके और ये चीज आपने माइंड में रखनी है। दूसरा आपने क्या देखना है, जब हम कर्व बनाएंगे, अब ये बताइए जब कर्व बनाएंगे तो कर्व कहाँ से बनेगा, क्या वो ओरिजिन पॉइंट जीरो से बनेगा, बनेगा टीसी का नहीं बनेगा ना, वो कहाँ से बनेगा, वो जीरो से थोड़ी ऊपर से बनेगा, जीरो से ऊपर ओ वाई एक्सिस के ऊपर कहीं से निकलेगा, वो जीरो लेवल से, जीरो से ओरिजिन पॉइंट से आपका इन शॉर्ट टर्म पीरियड टोटल कॉस्ट नहीं बनता। ओके और क्या यहाँ पर नजर आ रहा है हमें, और ये देखिए यहाँ पर जो आप फिक्स कॉस्ट है ये तो फिक्स ही है, इसके अंदर हम सारी क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसकी वजह से जो जितनी जितनी वेरिएबल कॉस्ट ऐड हो रही है इस फिक्स्ड अमाउंट के अंदर वो सारी टोटल कॉस्ट आ रही है। और पीछे कल हमने ये देखा कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारी क्या है, वो हमारी कैसी शेप की आई थी, इनवर्स एस शेप आई थी ना, उल्टे एस आकार की आई थी, पहले हमारा डिक्रीजिंग रेट हुआ था फिर हमारा इंक्रीजिंग रेट हुआ था। इट मीन्स की टोटल कॉस्ट भी हमारी सेम ही शेप की होगी और पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, और जो उनके बीच का डिफरेंस होगा, जो उनके बीच का डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस कौन से वाला होगा, फिक्स कॉस्ट वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो 10-10 वाला 10 के साथ साथ डिस्टेंस निकाल कर पैरेलल टू टीबीसी आपने टोटल कॉस्ट को यहाँ पर बनाना है, क्लियर है। और अदरवाइज और सब चीजें देखो वही है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टीसी, देखिए यहाँ पर पहले कितना 10 से इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 8 से इंक्रीज हुआ है ना, देन उसके बाद 6 से इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद किससे 4 से हुआ, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 6 से इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद 8 से, तो इस तरीके से ये ऐसे बढ़ेगा। ओके क्लियर है। तो यहाँ पर अब हम लोग अगर शेड्यूल यहाँ पर डायग्राम बनाए तो डायग्राम देखें अब कैसे बनाएंगे हम इसका, ओके ओ वाई ओ एक्स एंड आउटपुट इन यूनिट्स वी शो दिस
on x axis output in units. Okay, then total cost, total variable cost and total fixed cost. ये हम क्या कहेंगे, we show in on the O y axis. So TC, TFC and TVC. So सबसे पहले तो आपको जब भी डायग्राम बनानी है तो यही सब चीजें लिखनी है कि आप ओ वाई एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस पर क्या शो कर रहे हैं, देन आप डायग्राम बनाए. अदरवाइज अंदर मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, डायग्राम बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं होगा. मतलब वो जो कर्व होगा वो किसी चीज का कर्व नहीं होगा, जस्ट एक लाइन्स होंगी. अगर आप यहाँ पर शो नहीं करते हो कि ओ एक्स एक्सिस पर आपने क्या है, आपके ओ वाई एक्सिस पर क्या है, तो वो लाइन अंदर सिर्फ लाइन्स होंगी, वो कोई कर्व नहीं होगा जो किसी चीज को शो कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर आपके पास यस फिक्स कॉस्ट क्या होगी हमारी, मान लो फिक्स है तो हमने यहाँ पर फिक्स कर दी है. ओके, सो यहाँ पर टी एफ सी, यही शेप है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस. ओके, देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी इनवर्स शेप आई थी, तो हमारे पास यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगी क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी जीरो होती है. तो यहाँ पर हमने बनाई ये. ओके, ये हमारी क्या होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. देन आपने क्या करना है, इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले स्टार्टिंग में 10 हो गया ना, तो यहाँ से हम लोग टोटल कॉस्ट को स्टार्ट करेंगे और इसके पैरेलल बिल्कुल हम लोग बनाते जाएंगे. यस, क्लियर? सो ये है टोटल कॉस्ट, क्लियर है? सो इस फिगर में क्या दिख रहे हैं, यूनिट ऑफ आउटपुट जो हमने ओ एक्स एक्सिस पर शो किए हैं एंड कॉस्ट को हमने ओ वाई एक्सिस पर शो किया है. टी एफ सी शोज टोटल फिक्स कॉस्ट, टी वी सी शोज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टी सी शोज टोटल कॉस्ट. सो टी सी इज द एग्रीगेट ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, एंड टी सी कर्व जो है बिगिन्स फ्रॉम 10. मान लो ये 10 है ना, हमारा 10 है, तो ये टी सी क्या हो रहे हैं, 10 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, सो दिस इज बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यस जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टी एफ सी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स. ठीक है, 10 हो गए ना, तो टी एफ सी इज इक्वल टू 10. सो वाइल टी वी सी इज इक्वल टू 0, जबकि टी वी सी क्या आपकी 0 है, सो क्या हो गया, टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी, यानी टी सी इज इक्वल टू 10. सो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि दैट द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज कांस्टेंट बिकॉज ऑफ विच टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वी नो दैट द डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी विच इज कांस्टेंट. ओके, कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा क्या है, टीएफसी है, जो कि कांस्टेंट रहता है. क्लियर? कोई डाउट नहीं? उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट एंड द शेप ऑफ एवरेज का. ओके, सो हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट एसी एंड द शेप ऑफ शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट का. अब ये माइंड में रखना आपने कि जो हम ये स्टडी कर रहे हैं इन शॉर्ट टर्म पीरियड ही स्टडी हो रही है सारी. ठीक है, लॉन्ग पीरियड में स्टडी नहीं है, इन शॉर्ट टर्म पीरियड आपके पास स्टडी है हर एक चीज की. यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है वो भी हम इन शॉर्ट टर्म पीरियड ही स्टडी कर रहे हैं. ओके, सो कॉस्ट क्या है, मतलब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, पहले तो आपको ये बताना चाहिए एवरेज कॉस्ट होती क्या है. तो एवरेज कॉस्ट हमारी क्या होती है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट. ओके, एवरेज कॉस्ट इट मीन्स कि जो आपके पास जितने भी प्रोडक्शन करने पर जो भी टोटल कॉस्ट आपकी आती है टीसी, ठीक है, और जितने भी क्या है आपके पास क्या है क्वांटिटी है आउटपुट की टोटल, उसे डिवाइड करेंगे तो वो एक की आ जाएगी. ठीक है, एक पर कितना खर्चा हुआ, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होता है, एवरेज कॉस्ट. सो हियर यस एसी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट. टीसी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट,
एंड क्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. ओके क्लियर. सो नाउ फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी इज ₹48. मान लो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर जो है वो 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है कॉमोडिटी की, और उसके ऊपर जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, ₹48 की आ रही है. सो उससे क्या होगा, अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट और एवरेज कॉस्ट विल बी कितनी होगी, AC इज इक्वल टू ₹48 जो आई है डिवाइडेड बाय 6 यूनिट उसने बनाए थे प्रोड्यूस किए थे, तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, ₹8. ओके तो इस तरीके से आपकी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी. क्लियर. सो एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर है. सो नाउ वी मेक द शेड्यूल. यस फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी मेक द शेड्यूल एंड एक्चुअली आप यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप शेड्यूल कैसे बनाएंगे. आपने पीछे देखा टोटल कॉस्ट का शेड्यूल बनाया हमने TFC प्लस TBC करके, ठीक है, और यहाँ पर एवरेज कॉस्ट क्या है, TC बाई Q. सो जो हमने पीछे जो आपने टेबल बनाई अगर वो आपको क्लियर है तो आप एवरेज कॉस्ट का और अपने आप की टेबल बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं. सो यहाँ पर अगर हम टेबल बनाए, सो यस टेबल नंबर 2. ओके टेबल नंबर 2. सो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट. ओके सो आउटपुट यूनिट्स में इन यूनिट्स. टोटल कॉस्ट इन रुपीस एंड देन एवरेज कॉस्ट इन रुपीस. ओके सो सेम वही हम लोग वही वाली टेबल अगर उठाएं जो हमने पीछे बनाई थी. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके सो टोटल कॉस्ट यस स्टार्टिंग में 10, देन 20, 28, 34, 38, 42 and 48. ओके अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट की अगर हम बात करें, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, TC by Q. ओके यानी यस एवरेज कॉस्ट TC by Q यानी 10 by 0 इज इक्वल टू 20 by 1 इज इक्वल टू 28 by 2 इज इक्वल टू 34 by 3 इज इक्वल टू 38 by 4 इज इक्वल टू 42 by 5 इज इक्वल टू एंड 48 by 6 इज इक्वल टू कितना कितना आएगा. अब नीचे 0 तो क्या आएगा, इन्फिनिटी. चलो किसी ने सही जवाब दिया आज तक, जितने भी स्टूडेंट से पूछो तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या कहते हैं, 0. ठीक है तो नीचे अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आएगा. ओके देन 20 by 1 20. ओके देन 28 by 2 14. देन 11.3. देन 9.5. आफ्टर दैट 8.4. देन 8. ओके अब यहाँ पर अगर आप इसको ऑब्जर्व करें शेड्यूल को तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपका, एवरेज कॉस्ट में स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, इंक्रीजिंग डिक्रीज हो रही है. ये तो एवरेज कॉस्ट जो है आपकी स्टार्टिंग में डिक्रीज होती है, एक टाइम आता है कि वो क्या हो जाती है, ये मिनिमम. अब इसमें बच्चे आप ना और ज़्यादा लो, मतलब डिक्रीज हो रही है 20 पे आई, 14 पे आई, 11 पॉइंट आई, इसमें सारे डिक्रीज हो रहा है. उसके बाद इंक्रीजिंग वाले भी वैसे हम लोग बनाते हैं आगे आगे, जैसे जैसे आप इसमें और लोगे ना डाटा तो उसमें और ज़्यादा इंक्रीजिंग वाला दिखाओगे. तो AC जो होती है ना
पहले डिक्रीज होती है, फिर मिनिमम होकर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप और भी आप क्या ले सकते हैं टेबल में, जैसे हम इसमें और लें तो ले सकते हैं इसके अंदर और डाटा अगर हम लेना चाहें तो, उससे आपका जो है ना प्रॉपर पूरा बन जाएगा कि एवरेज कॉस्ट का आप जो है जो रिलेशन हमने बताना है वो करें, वो आगे बताऊंगी मैं आपको। जब हम लोग TFC TVC वगैरह कर लेंगे और फिर हम लोग AC निकालेंगे तो वहां पर मैं वहां पर एग्जैक्ट बता दिया जाएगा कि कैसे AC की जो है ना एग्जैक्ट शेप क्या होगी। ठीक है, ये तो जस्ट अभी आपको AC बताया है कि कैसे निकलेगा, तो हाउ टू मेजर द AC बाय TC। ओके, सो नाउ यस, इन शॉर्ट एंड पीरियड अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC है, सो इन शॉर्ट एंड पीरियड AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC होगा। इन शॉर्ट एंड पीरियड एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स कंपोनेंट्स ऑफ AC हम जो है स्टडी करेंगे। यस, सो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म पीरियड, क्योंकि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट होती है वो भी क्या होगी, इट इज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो इन शॉर्ट टर्म पीरियड AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC। अब हम फिर क्या स्टडी करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस AFC देन ABC। ओके, आफ्टर दैट क्या करेंगे, सम करेंगे दोनों का, AFC प्लस ABC, और AC को हम मेजर करेंगे। सो फर्स्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट। यस, अब आप बताइए कि क्या आपको यहाँ पर क्रैमिंग करने की जरूरत है एवरेज फिक्स कॉस्ट में, आप बता सकते हैं क्या होगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट आपने अभी AC क्या बोला है, AC अभी हमने क्या पढ़ा है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सो एवरेज अगर हमने देखो वो था TC बाय क्यू, AC निकला। अब हमने निकालना है AFC, सिर्फ एक फिक्स तो बीच में आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम फिर सिर्फ एफ ही डालेंगे। सो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, अगर हमें ABC निकालना है तो हमारे पास AC में सिर्फ वेरिएबल ही तो बीच में आया है, सो यहाँ पर हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। ओके, सो कोई क्रैमिंग नहीं करने की, ABC कैसे निकलेगा, AFC कैसे निकलेगा, AC कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने आप ही कर सकते हैं इन चीजों को। आपको शेड्यूल में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें डाटा जो है वो लर्न करने पड़ेंगे, नहीं, अगर आपको बेस क्लियर है कि हमें कहाँ पर इंक्रीजिंग वो रेट होता है, कहाँ डिक्रीजिंग रेट होता है, कहाँ कॉन्स्टेंट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डाटा जो है ले सकते हैं। ओके, सो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, सो AFC इज इक्वल टू TFC बाय क्यू। ओके, सो नाउ मेक द शेड्यूल। यस, एवरेज टेबल नंबर थ्री। यस, एवरेज फिक्स कॉस्ट, आउटपुट इन यूनिट्स, देन टोटल फिक्स कॉस्ट, इन रुपीज, एंड देन एवरेज फिक्स कॉस्ट इन रुपीज। ओके, सो हम यहां लेंगे, चाहे आप जीरो से स्टार्ट करें कहीं से, अभी तो जस्ट हम दिखा रहे हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट से निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन इज फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इट इज फिक्स 10 10 10 10 10। ओके, देन
देन एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, टी एफ सी बाय क्यू. सो 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, and 10/8. Okay, so here we get 10, then 5, then 3.3, then 2.5, 2, 1.67, 1.43, 1.25. ओके, सो एवरेज कॉस्ट जो है आप यहाँ पर जो देख रहे हो एवरेज कॉस्ट, वो क्या देख रहे हो एवरेज कॉस्ट, अगर हम देखें 10, 5, 3.3, 2.5, 2, 1.67, 1.43, 1.25, मतलब ये डिक्रीज ही हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. रीजन बता सकते हैं कंटिन्यूसली डिक्रीज क्यों क्यों शो कर रहा है, ये रीजन है इसके पीछे. अभी हमने स्टडी किया भी है, क्यों डिक्रीज हो रहा है बताए. आपके सामने बिल्कुल क्लियर है चीज, आप बता सकते हैं कि ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्यों कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ही दिखा रहा है, इंक्रीजिंग क्यों नहीं दिखा रहा है ये. ओके, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, वो तो फिक्स है 10, 10, 10, और आउटपुट आपकी बढ़ती जा रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, वो तो इंक्रीज ही होती जाएगी ना. तो आपकी कभी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी, कभी भी आपकी इंक्रीजिंग नहीं होगी, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी. और एक और चीज, वो कभी भी लेकिन ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वो रहती ही रहती है. तो आपको जब हम कर्व बनाते हैं तो हमें ऐसा देखने से लगता है कि ये जाकर कहीं पर ओ एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी टच नहीं करेगी. ओके, जब आपके अगर फिक्स कॉस्ट है तो अगर टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स वो तो रहनी ही रहनी है. ओके, तो ये कभी भी ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी. क्लियर है, ये लॉजिक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को कि ये क्यों डिक्रीज हो रही है. और कर्व मैंने आपको बताया कि ये डिमिनिशिंग वाला दिखाएंगे हम, डिक्रीज होता हुआ कर्व बनाएंगे, लेकिन हम उसको कभी भी ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे. अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा आपका क्वेश्चन. ठीक है, आपका डायग्राम पे क्रॉस लग जाएगा बड़ा सा. तो हम डायग्राम बनाए हैं, तो आपका जो डायग्राम होगा बच्चे, ए एफ सी का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होएगा. यस, आउटपुट इन यूनिट्स एंड देन यहाँ पर ए एफ सी. ओके, सो अगर आप डाटा लेके बनाएंगे तो मैं आपको विदाउट डाटा बना रही हूँ, जब डाटा लेके बनाओगे तो वही शेप आएगी आपकी. यहाँ से जैसे स्टार्ट हुई, ये कंटिन्यूसली ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनेगी, ये कंटिन्यूसली ऐसे डिक्रीज होती जाएगी. ठीक है, और ये यहाँ पर आते 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 पैरेलल टू इसके चलने शुरू, टच नहीं करेगी ये एएफसी. और ये आपकी शेप क्या हुई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, क्लियर है. सो AFC shows average fixed cost and this curve slopes downward to the right. एक तो ये डाउनवर्ड हो रही है क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, इंक्रीज होती है तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ठीक है, सो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ AFC shows that AFC decreases as output increases. जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होएगा हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होगी. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इट मीन्स दैट AFC मल्टीप्लाई क्यू, AFC जो है अगर आप उसको क्यू से मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू TFC, वो किसके इक्वल हो जाएगी, टीएफसी के ना, क्योंकि हम लोग एएफसी कैसे निकाल रहे हैं, टीएफसी बाय क्यू करके. और अगर आप एएफसी मल्टीप्लाई क्यू करते हो तो वो क्या निकलेगी, टीएफसी, जो क्या होती है हमेशा कांस्टेंट होती है. ठीक है, दैट इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. इसीलिए आपकी जो शेप होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. क्लियर, सो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, क्योंकि टाइम भी नहीं है. सो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे. So that's all for today. Have a good day.